राजस्थान में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से चुनावी चौसर सज चुकी है। इसी क्रम में आज डिंडवाना विधायक चेतन डूडी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। यह तीसरा मौका है जब चेतन डूडी को कांग्रेस ने डिंडवाना विधानसभा से अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। वर्तमान में डूडी डिंडवाना से कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी को तकरीबन 40,000 वोटों के एक बड़े अंतर से पराजित किया था। आपको बता दें कि चेतन डूडी ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। चुनाव के दौरान कोई वादे नहीं करता, क्योंकि एक परंपरा रही है कि चुनाव के दौरान जो किया जाता है, बोला जाता है, लोगों में ये एक चलन है, बात कही जाती है कि जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि डिंडवाना के लिए हमारी सरकार ने, और डिंडवाना ही नहीं अपितु राजस्थान में हमारी सरकार ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से जनसाधारण को बड़ी राहत मिली है। और डिंडवाना की हम बात करें तो डिंडवाना को जिला हेडक्वार्टर, जिला अस्पताल, चर्च, सरकारी कॉलेज, दो तहसील, तमाम तरीके के ऐसे काम किए गए जिससे साधारण व्यक्ति को बड़ी राहत मिली है। मैं आपको ये दावे के साथ बता सकता हूँ कि अभी जो वहाँ हमारी मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के अंदर इतना भारी लोगों का हुजूम आया, इतना भारी लोगों का सपोर्ट है, समर्थन है, कि मुझे ये लगता है कि पिछले बार जितने मतों से लोगों ने यहाँ कांग्रेस को जिताया, उससे ज़्यादा मतों से इस बार कांग्रेस यहाँ से डिंडवाना से जीत के जाएगी, हमारी सरकार बनेगी, और सरकार ने जो जन कल्याणकारी कार्य किए उनको हम बदस्तूर जारी नहीं रखेंगे बल्कि